तो क्या हालचाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर फोटो वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी आइडियाज के बारे में, जो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं अपनी मोबाइल फोन की मदद से। तो ये फोटोग्राफी कम और एडिटिंग ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हम फोटोग्राफी जो भी फोटोग्राफी हम करने वाले हैं वो सारी सिंपल होगी। सिंपल सी फोटो क्लिक करनी है आपको और उसके बाद सिंपल से एडिट करनी है फोटो को, और फोटो आपकी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अलग लगेगी। तो एडिटिंग ट्यूटोरियल भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आप सभी को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं फोटोग्राफी की तरफ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को एक ट्राइपॉड पे लगा देना है, देन कुछ इस तरह से आपको अलग अलग पोज करते हुए अपने हाथों की फ़ोटो क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 4, 5, 6, 7 आपको जितनी चाहे वहाँ पे आप इतने सारे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मोबाइल एक जगह पे रहिएगा आपका, हिलना नहीं है उसको। देन आपको उस फोटो को पिक्सआर्ट पे ओपन करना है, देन ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाके आपको दूसरी फ़ोटो, एक हाथ का दूसरा पोज वाला, उसको ऐड कर लेना है। देन सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पे जाके बस हमें हाथ को पेंट कर लेना है इस तरह कुछ। देन आपको सारे इमेज को कुछ इस तरह करना है, सारे जितने भी हाथ हैं सबको एक एक करके यहाँ पे आपको पेंट करना है, और ये पूरा सावधानी से कीजिएगा। और फोटो को पूरी एडिट करने के बाद हमारी फ़ोटो किस तरह लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लग रही है ना, काफ़ी कमाल फोटो। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए भी आपको मोबाइल को एक ट्राइपॉड पे लगा लेना है कुछ इस तरह, देन सिंपली आपको कुछ इस तरह से दो पोज करते हुए फोटो को क्लिक कर लेना है सेम जगह पे, और देन आपको उस फोटो को ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आपको जाना है इस फिट वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ से आप अपना रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए, पोर्ट्रेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। देन इस इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे, तो फोटो हमारी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। देन यहाँ से हमें इसे डन कर लेना है, फिर डन कर लेना है। देन हम चलेंगे फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम दूसरी वाली फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, इसे भी इरेज कर लेंगे पर्सन वाले मोड सिलेक्ट करके। देन इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह बड़ा करके अपने फर्स्ट फोटो के ऊपर लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा फोटो की ओपेसिटी आप अपने हिसाब में कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन इफेक्ट में जाके आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, और फोटो पूरी एडिट होने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की लगेगी, देख सकते हैं आप, काफ़ी कमाल लग रही है फ़ोटो। अब नेक्स्ट फोटोग्राफी के लिए आपको एक मोबाइल चाहिए होगा, उसमें फ्लैश लाइट ऑन करके आपको अपने एक हाथ के ऊपर कुछ इस तरह उसे लटका लेना है या बांध लेना है। देन रूम की लाइट्स ऑफ करके आपको वॉल के साइड में जाके कुछ इस तरह खड़े हो जाना है फ्लैश लाइट को सेट करते हुए, और मोबाइल को आपको सामने की तरफ रखना है और फ़ोटो को बढ़िया से क्लिक कर लेना है। तो फ़ोटो को क्लिक करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की लगेगी, देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोटोग्राफी की तरफ। इसके लिए आपको एक और एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है स्क्रीन फ्लैश, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइट्स रूम की ऑफ कर लेनी है, और आपको कुछ इस कलर का टोन उसमें रख लेना है उस स्क्रीन फ्लैश में, और अपने फेस के सामने कुछ इस तरह रखना है, और आपको फ़ोटो क्लिक करना है कुछ इस तरह पोज देते हुए। इस तरह पोज देते हुए आपको ध्यान से एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है, देन फोटो क्लिक करने के बाद उसको ओपन कर लेना है आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। देन आपको जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है कैंडल। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ कैंडल, देन हम नीचे जाएंगे और यहाँ से एक कैंडल की कोई सी भी PNG को ले लेंगे। तो कौन सी लें, ये वाली सही रहेगी, मैं ये वाली कैंडल की PNG यहाँ से ले लेता हूँ। देन इसको हम इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेंगे और अपने फिंगर्स के ऊपर, अपनी उंगली के ऊपर इसे कुछ इस तरह सेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आपको सावधानी से ये चीज़ करना है और बारीकी से करना है आपको। देन आपको फिर से जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सिगरेट। तो यहाँ से हमें स्मोक की PNG मिलेगी, तो ये स्मोक हम यहाँ से उठा लेते हैं। देन इसकी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेंगे, एडजस्ट पे जाके इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेंगे। देन यहाँ से डन करके इसे कुछ हमें इस तरह अपनी फ़ोटो के ऊपर सेट कर लेना है। तो फोटो आखिर एडिट के बाद इस तरह लगेगी, देख सकते हैं काफ़ी कमाल लग रही है फ़ोटो।
अब अपने लास्ट फोटोग्राफी के लिए आपको एक सिंपल सी फोटो क्लिक करनी है। एक मोबाइल पकड़ के आपको कुछ इस तरह फोटो क्लिक करते हुए, एक्टिंग करते हुए आपको एक फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो को क्लिक करने के बाद आपको उस फोटो को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। देन हम यहाँ से चलेंगे इस फीड वाले ऑप्शन पे। देन इसका रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम पोर्ट्रेट पे। देन यहाँ से हम चलेंगे इरेजर पे और पर्सन सिलेक्ट कर लेना है तो फोटो अपने आप कट आउट हो जाएगी। देन यहाँ से डन कर लेना है। देन यहाँ पे चलना है इमेज में एंड ऐड इमेज करके यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको मिरर। एंड यहाँ पे नीचे जाके हम एक मिरर की फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस वाली मिरर की फोटो को हम यहाँ पे ले लेते हैं। देन अपने फोटो को उस मिरर के फोटो के ऊपर कुछ इस तरह सेट कर लेना है। तो और देन आपको इरेजर पे जाके इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे कट आउट कर लेना है। देन हमारी फोटो फाइनल एडिट के बाद कुछ इस तरह लगेगी। तो दोस्तों यही थे आज के 5 कमाल मोबाइल फोटोग्राफी आइडियाज। उम्मीद रखता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल की। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।